मैं नहीं जानती मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे कहूं। अगर आज तुम नहीं होते तो शायद मैं यहां नहीं होती। मैं जानती हूं वो सब तुम्हारे लिए भी बहुत मुश्किल था। तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, राहुकाल की चिंता हो रही है तुम्हें। दमयंती को राहुकाल की चिंता हो रही है। मैंने कहा था ना दमयंती तुम्हें, इस यात्रा के अंत में तुम्हें मेरी चिंता अवश्य होगी। तुमने पूछ लिया, मेरी पीड़ा दूर हो गई। पर क्या वाकई में तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी? सावित्री के साथ रहने के लिए तुमने अपनी प्रवेश मणि को लौटा दिया राहुल। अच्छा किया, क्योंकि अब तुम सावित्री के साथ जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सावित्री, अब तक तुम जो भी कर रही थी मैं नहीं देख पा रही थी, पर इस बार मेरा बेटा अपनी आंखों से सब कुछ देखेगा। उसे पता चल जाएगा तुम्हारा असली रूप क्या है। जल्दी हम तारा द्वार में होंगे। ये तालाब, इसे कैसे पार कर सकते हैं हम? इसका ना कोई छोर दिखाई दे रहा है ना कोई किनारा। रास्ता कहां से है इसका? पानी के अंदर से? क्या हुआ दमयंती, क्या सोच रही हो? आगे जाने का कोई और रास्ता नहीं है। यही रास्ता है जो मितारा द्वार लेकर जाएगा। और चिंता मत करो, जब तक राहुकाल तुम्हारे साथ है तुम्हें डूबने नहीं देगा। मुझे मरने से डर नहीं लगता राहुकाल, तो डूबने से डर क्यों लगेगा? और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हें अपनी जान की चिंता हो ना हो दमयंती, परंतु मुझे तुम्हारी जान की चिंता है, और इस बात को तुम भी अच्छी तरह जानती हो।
देखिए, हम अब तारद्वार जाने के लिए शायद इस रास्ते पर भटक गए हैं। क्या आप हमें बता सकती हैं तारद्वार जाने का सही रास्ता क्या है? जब और कोई रास्ता था ही नहीं तो जाहिर है तारद्वार का रास्ता भी यहीं से जाता होगा। इधर उधर क्या देख रहे हो? चिंता मत करो, यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। यहाँ बस देखने को मिलता है तुम्हारा गुजरा हुआ कल, आज और तुम्हारा भविष्य। अगर तुम उसे देख सको बिना उसमें पड़े तो कोई खतरा नहीं। ये क्या पहेली है? कोई पहेली नहीं है। ये सुरंग देख रहे हो? ये सुरंग के उस पार तुम्हें जाना है, वहां पर तालाब का किनारा है, वहां से आगे ताराद्वार। बस इस सुरंग को पार करना है। कोई कठिनाई नहीं, कोई जतन नहीं, कोई खतरा नहीं है। एक खतरा है इस सुरंग में गुम हो जाने का, इसलिए मैं तुम्हें एक डोरी का गोला दूंगी। इस डोरी का एक सिरा मेरे चरखे से बंधा होगा, बाकी डोर तुम लेके आगे बढ़ोगे। याद रखना, ये डोर तुम्हें इस सुरंग के पार लेके जाएगी। अगर ये डोर गिरा दोगी ना तो इसे तुम वापस उठा नहीं पाओगे। खो जाएगी ये डोर और तुम अपने रास्ते से भटक जाओगे। आप कौन है और ये डोरी क्या है, इसका महत्व क्या है? ये जीवन का चरखा है और ये डोर तुम्हारे जीवन की डोर है। ये जीवन की डोर ना टूटनी चाहिए, ना उलझनी चाहिए, ना खोनी चाहिए। ये डोर तुम्हें इस सुरंग में तुम्हारा अतीत, तुम्हारा वर्तमान और तुम्हारा भविष्य सब दिखाई। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या जान पाते हो और क्या समझ पाते हो। हजार साल इस धूमकेतु ने तुम्हारी प्रतीक्षा की है दमयंती। क्या इस बार तुम सफल हो पाओगी? क्या इस बार मैं आजाद हो पाऊंगा? के बाद एक आगे जाना होगा, वरना डोरी उलझ जाएगी। नहीं, दमयंती अकेले नहीं जाएगी। सोच लो, तुम बिना डोर के भी अंदर जा सकते हो, पर तुम खो जाओगे और फिर तुम्हारा बल और तुम्हारी माया तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगी। और तुम चाहो तो लौट भी सकते हो। जो सीढ़िया तुम्हें नीचे लेकर आई थी ना, वही सीढ़िया तुम्हें वापस ऊपर भी ले जाएगी। फिर भी मैं दमयंती को अकेले नहीं जाने दूंगा। राहुकाल, बहस करने का कोई फायदा नहीं। पहली बार इस सफर में मुझे कोई ऐसा मिला है जिसे मुझसे कुछ नहीं चाहिए।